भिवानी में डॉक्टर्स की हड़ताल होने की वजह से लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विभाग के द्वारा अन्य NHM डॉक्टर्स की ड्यूटी मरीजों को देखने हेतु लगाई गई, जिसमें हमारा पूर्ण प्रयास रहा कि किसी भी मरीज को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये बात सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताई। इनकी मुख्य चार मांगे हैं कि स्पेशलिस्ट कैडर होना चाहिए, ACP हमारी 4 साल, 9 साल, 13 साल और 20 साल पर हमारी ACP लगनी चाहिए। कि पॉलिसी जो होती है PG की, मैं तो ये कहता हूँ कि जो डॉक्टर सरकार की सारी नीतियाँ निर्धारित की हुई कि रूरल सर्विस होनी चाहिए इतनी, टोटल सर्विस इतनी होनी चाहिए, सारे क्राइटेरिया पूरा करके जब PG के लिए एलिजिबल होता है और PG करने के बाद उसके पास 1 करोड़ का बॉन्ड दे दिया जाता है कि आप 1 करोड़ का बॉन्ड दो। तो इनकी जो पॉलिसी है कि भाई आप इतने 1-1 करोड़ की जो बॉन्ड होती है, किसी संपत्ति हो या नहीं हो, तो इनकी डिमांड यही है कि उसको आप 50 लाख कर दिया जाए। तो इनकी जेन्युइन डिमांड है। दूसरी पॉलिसी में जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी, तो हमारी को डॉक्टर की स्ट्रेंथ कम ही है, तो इनकी तकरीबन जो भी डिमांड है सरकार सिंपैथेटिकली कंसीडर करके इनको आश्वासन दिया है कि आपकी डिमांड मान ली जाएगी। तो इन्होंने भी सहयोग दिखाया है कि हम एसेंशियल सर्विस जो है वो हम जारी रखेंगे, तो एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से मरीजों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये हमारा दायित्व भी है कि चाहे हमें दिन में रात काम करना पड़े, चाहे रात को काम करना पड़े, हम दिन रात काम करके मरीजों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आज शनिवार का दिन था, ऑफिस बंद होने के कारण हमने आज OPD का राउंड किया, उसमें सभी डॉक्टर उपस्थिति मिले। इसमें स्ट्राइक का कोई असर नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमने पहले ही, हमारे डॉक्टर इतने कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज और पोस्टमार्टम तो पहले ही स्ट्राइक के टाइम में भी उन्होंने सर्विसेज जारी रखी हैं, तो मैं सभी डॉक्टरों का धन्यवाद करता हूं। और आज मंडे को भी अपनी सेवाएं जारी रखते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी इनको से वार्तालाप काफ़ी हेल्दी रही थी और सोमवार को फिर इनको टाइम दिया है। तो आशा करते हैं इनकी ज़्यादा जेन्युइन डिमांड है, सरकार मान लेती है तो हमारा रूटीन काम जारी रहेगा। लेकिन हमने अल्टरनेटिव भी बना रखा था, सभी CHO है, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी, तो हमारे स्ट्राइक के टाइम में भी 2500 के आसपास OPD रही है, 22 हमारे आई के ऑपरेशन हुए हैं और हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी भी ठीक रही है, तो उसको आज निरीक्षण के लिए मैंने आज दौरा किया है इमरजेंसी में। इसमें काफ़ी सभी डॉक्टरों अपनी उपस्थिति मिले, सभी को बताया है कि अपनी ड्रेस में रहें और अपना काम अच्छी तरह से करें।